संबल के मुख्य चिकित्सा कार्यालय में तैनात रहे तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा के काले चिट्ठे सामने आए हैं। आरोपी लिपिक पर फर्जीवाड़े करके करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर हड़पने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके साक्ष्य भी सामने आए हैं। फर्जीवाड़े के आरोप पर सीएमओ अमिता सिंह ने मीडिया के सामने पूरा मामला रखा है। वहीं इस बाबू के फर्जीवाड़े की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय के बड़े अधिकारी हैं कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में फंसे सीएमओ कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक को बचाने के लिए जांच के बाद जांच करा रहे हैं। मामला जुड़ा हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल में तैनात कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा से। सीएमओ अमिता सिंह संभल के कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा के विरुद्ध गबन की शिकायत मिलने पर जिले स्तर पर डॉक्टरों की जांच टीम बनाई गई। जांच कमेटी ने विनय शर्मा को भारी सरकारी धन के गबन का आरोपी पाया था, परंतु महानिदेशालय के उच्च अधिकारियों ने जांच का खेल रचा और पूरे अभिलेख न मिलने पर जांच को पूरा करके विनय शर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं आजमगढ़ सदर से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था और कार्यवाही न होते देख माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भी अवगत कराया कि मामले को अधिकारी दबा रहे हैं और इसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण को दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने इस लिपिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि तमाम जनप्रतिनिधि की शिकायत को दरकिनार करके विनय शर्मा को निलंबित भी नहीं किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई, बल्कि आरोपी मानते हुए कनिष्ठ लिपिक विनय का प्रमोशन ही कर दिया गया। वहीं करोड़ों के घोटाले के आरोपी विनय शर्मा हैं, उनकी शिकायतों का मामला यही नहीं रुका। पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र दयाल गौतम ने भी इस संबंध में शिकायत की है। मुरादाबाद के डॉक्टर एस के शर्मा ने तो पूरे साक्ष्य के साथ कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा पर सारे आरोपों को प्रमाणित करते हुए पत्र भेजा है। अधिकारियों ने जांच का दिखावा करके बरेली जैसे बड़े जिले में सीएमओ कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल के अधीन सीएससी मनोटा में तैनात विनय शर्मा मुख्यालय पर जिले का भी काम देखता था। सीएससी मनोटा पर तैनाती के दौरान विनय शर्मा पर वर्ष 2014 से ही कर्मचारियों और अधिकारियों के लगभग 7 लाख स्वयं और दूसरे फर्जी खातों में ट्रांसफर करके निकालने और कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के जीपीएफ के पैसे भी हड़पने के आरोप लगे हैं। पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र दयाल गौतम के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए रिश्वत लेकर भी विनय शर्मा ने उनके फंड तक नहीं दिए। जनप्रतिनिधियों की तमाम शिकायतों और साक्ष्यों के बाद भी खास बात यही रही कि विनय शर्मा के विरुद्ध मुख्यालयों के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि जांच के नाम पर इस कार्यवाही को भटकाते रहे। अंत में केवल एक इंक्रीमेंट पर रोका और सीएमओ बरेली के अधीन उसका स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि करोड़ों रुपए के गबन बिना परमिशन के विदेश यात्रा, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए निलंबन के साथ साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएमओ अमिता सिंह और अन्य लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सीएमओ संभल में हुई अनियमितता की जांच के लिए निर्देशक स्वास्थ्य की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल को निर्देशक स्वास्थ्य की ओर से दिनांक 13 दिसंबर को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें वित्तीय व्यवहारों की जांच की बात कही गई है, जबकि कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा द्वारा 2014 से ही वित्तीय गड़बड़ियां की जा रही थी और इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी उनके फंडिंग नहीं मिले, उनको भी कमेटी के सामने बुलाने की बात कही गई। कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा ने जब खुद को फंसता देखा तब मामले को दूसरी तरफ मोड़कर सबका ध्यान भटकाने का भी प्रयास किया। विनय शर्मा ने संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व उनके कर्मचारियों पर कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विनय शर्मा की हिम्मत देखी जाए तो खुद करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोपी होते हुए भी सीएमओ के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है, जिसकी जांच भी आरंभ हो गई है। वहीं इन आरोपों को लेकर जब विनय शर्मा से फोन लगाकर संपर्क किया गया तो आरोपी विनय शर्मा ने फोन नहीं उठाया और ना ही कोई इस मामले पर सफाई दी। वहीं सीएमओ अमिता सिंह ने भी अपने कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक विनय शर्मा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है। संभल से संवाददाता मोहम्मद सदाम की रिपोर्ट। अच्छा मैडम, एक बाबू रहे हैं अपने संभल जिले के अंदर पूर्व में, विनय शर्मा जी, उनका करोड़ों रुपए का, लाखों का, पत्नी करोड़ों का कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, घोटाला सामने आया है, क्या जानकारी देंगे इस मामले में? हाँ, मेरे कार्यालय में एक श्री विनय शर्मा नाम के कनिष्ठ लिपिक थे, जिनका अभी जून 19 में सीएमओ बरेली के अंडर ट्रांसफर हो गया है। तो ये क्या पूरा किस तरीके से खेल करते थे, कुछ डिटेल में बता दीजिए।
जब मैंने जुलाई 17 में सीएमओ संभल के पद पर ज्वाइन किया था तो कई कर्मचारियों द्वारा ये शिकायत की गई कि इनके द्वारा उनका जो जीपीएफ का एरियर का एसीपी का पैसा है वो इनके अपने स्वयं के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये भी संज्ञान में आया कि इन्होंने झूठे ट्रेजरी चालान भर के उस पर पिछले सीएमओस के मेरे कार्यकाल में भी पिछले सीएमओस के फर्जी दस्तखत बनाकर कुछ फर्जी अपने मेडिकल क्रिएट करके इन्होंने जो है इस तरह की वित्तीय अनियमितता की है, और जिसकी मैंने एक जांच समिति बिठा के जांच कराई थी। अच्छा, उस जांच में क्या निकल कर आया आपके स्तर से? उसमें इनके खिलाफ 10 से 12 लाख के लगभग गबन का निकला था मामला, और जिसकी सारी रिपोर्ट मैं साक्षियों सहित महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लखनऊ भेज दी थी। आपके आने से कितने समय पहले और ये यहाँ तैनात रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से शायद जिला बनने के साथ से ही ये इस जिले में थे, जो मेरी जानकारी में है। मेरे को सही डेट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब से ये जिला बना था शायद तब से ही ये इस जिले में कार्यरत थे। 2000 सन याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा मैडम, ये जो इनके जो घोटाला ये सामने खुलकर आया है उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ आपकी शिकायत की है, 28 बिंदुओं की शिकायत की है, आप पर भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप भी लगाए। क्या लगता है क्यों आरोप लगाए हैं, और क्या ये जो इनके खिलाफ जांच चल रही है उस जांच को भटकाने का प्रयास है? हाँ, ये आरोप इन्होंने द्वेष भावना से पीड़ित होकर प्रेरित होकर मेरे खिलाफ लगाए हैं, जो कि बिल्कुल बौखलाहट में लगाए गए हैं, साक्ष्य विहीन है, प्रमाण रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, झूठे हैं, अनर्गल है, और मुझे एक तरह से जिसे डिफेम करने के लिए ये सब आरोप मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ जो जांच या जो उसमें कार्रवाई होनी है उससे अपर अधिकारियों का, ऊंचे अधिकारियों का ध्यान भटकाने हेतु, जांच से बचने हेतु, कार्रवाई से बचने हेतु ये मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि मेरी जीरो टॉलरेंस है इस बारे में। अच्छा मैडम, गबन का जब ये आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो उसी समय इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई गई विनय शर्मा के, क्या कहाँ चूक हुई? कोई चूक नहीं हुई है, इसमें ये था कि हमने जितने हमारे समय हमारे संज्ञान में जितने एप्लीकेशंस आई कर्मचारियों की, और उस जांच समिति में जो हमें तथ्य निकल के आए उसके आधार पर हमने साक्ष्य सहित ऊपर भेजा स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय में, और इस आख्या के साथ भेजा कि इनके हो संभवतः पिछले और टाइम के पहले के टाइम में इन्होंने और भी ज़्यादा गबन किया हो, इस वजह से उसको ऊपर भेज दिया गया। हाँ, तो जो जांच रिपोर्ट थी वो इस आख्या के साथ ऊपर भेज दी गई थी कि जिससे ये जांच तो हो ही गई है और इससे पहले इनके समस्त कार्यकाल की, पूरे कार्यकाल की जांच हो जाए, क्योंकि बीच बीच में हमें लगातार एक लोकायुक्त की तरफ से भी इनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं और RTI वगैरह भी इनके। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।